Friends, myself, Dr. Z. Welcome to 32 Teeth Dentistry. Our topic for today's video is pit and fissure sealants. Let us see what are pits and fissures. Pits are small pinpoint depression at the junction of developmental grooves. Now we'll see what are fissures. Fissures are deep clefts between adjoining cusps. Now you would imagine what are pit and fissure sealants? What are they? Pit and fissure sealants are a restorative material which are applied to pits and fissures. The mechanism is to create a barrier between the tooth and the oral cavity and further stop the process of caries. See the ethiopathology. Of caries caused due to pit fissures. Deep pit and fissures entrap food. Then the acidogenic bacteria produce acid, which cause demineralization of enamel and dentine. Which, if left unattended or untreated, leads to caries. Now we'll see the history of pit and fissure saline. यात इन 1923 ट्वेंटी थ्री प्रपोज प्रोफाइल टेक्निक अब इसमें क्या करते थे जैसे ही तूथ इरप्ट हुआ पार्शली उसके एंड फिशर में सिल्वर एंड कॉपर ऑक्सीफॉस्फेट सीमेंट फिल करते थे जब तूथ फुल्ली इरप्ट हो गया ओरल कैविटी में तब उसमें ऑक्लोजल कैविटी बनाते थे प्रॉपर एंड उसको अमलगम से फिल कर देते थे बोडेकर इन in 1929 इंट्रोड्यूस द फिशर इैडिकेशन टेक्निक अब इसमें क्या करते थे जो रिटेंटिव फिशर्स है उनको सॉसर शेप कैविटीज में कन्वर्ट कर देते थे जिससे कि वो सेल्फ क्लिनिबल हो जाए सेम टेक्निक है जैसे कि एनामेलो प्लास्टिक बुनाकोर इन नाइनटीन उन्होंने एसिड एज को प्रपोज किया जिसके अंदर वो फॉस्फेरिक एसिड यूज करते थे 85 परसेंट फॉर 30 सेकेंड और फिर पिट्स एंड फिशर्स को वो बॉन्डेड रेजिन से फिल करते थे अब ये बॉन्डेड रेजेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्स एंड फिशर फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू मोर्फलॉजी ऑफ फिशर गिवेन बाई नाइनगो इन देर आर फोर टाइप्स ऑफ फिशर्स वी टाइप U type, I type, and K type. In 1961, Nango updated uh, classification in which he introduced two types of fissure. One is I and K type, which is a combination of I and K type, and the other is inverted Y. As you can appreciate it in the diagram. Now, V and U type of fissures are shallow and self-cleansable, so non-invasive technique is used for application of pit and fissure sealants. इन दिस टाइप ऑफ फिशेज नाउ इन आई एंड के दे आर डीप नैरोस हाई यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ पिटन फिश इन दिस टाइप ऑफ फिशेज नाउ यू कैन मेक एन रिमोनिक टू मेमराइज दिस इज लाइक वी को वी आई के यू सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमराइज इट फ्रेंड्स ये जो हमारा क्लासीफिकेशन था पहला वाला मॉर्फोलॉजी uh, से रिलेटेड नाइनगोन ने जो दिया था ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ़िशर पे बेस्ड था अब हम uh, जो है सेकंड वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे ये है हमारा पिटन फिशर सीलेंड को क्लासिफाई करता हुआ मिशेल एंड गॉर्डन ने दिया था इसे नाइनटीन नाइन्टी में इसको मिशल एंड गॉर्डन ने चार बेसिस पे क्लासीफाई किया है पहले की पॉलीमराइजेशन मैथड कैसा है ये फिल्ड है अनफिल्ड है क्लियर है टिंटेड है या कलर्ड है और रेजिन सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया है तो पॉलीमराइजेशन मेथड में दो है सेल्फ एक्टिवेशन लाइट एक्टिवेशन सेल्फ एक्टिवेशन ऐसा है कि इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें पाउडर और लिक्विड सेपरेटली आता है आपको पाउडर और लिक्विड मिक्स करके सीलेंट को अप्लाई करना है पिट्स एंड फिशर पर लाइट एक्टिवेशन में ऐसा है कि सीमेंट को क्योर करने के लिए आपको लाइट की हेल्प लगेगी तो इसमें चार जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन में यूवी लाइट यूज़ हुई है सीमेंट को क्योर करने के लिए और उसमें हमें थ्री नैनोमीटर का वेवलेंथ लगेगा ओके सेकेंड जनरेशन सेल्फ क्योर है तो उसमें केमिकली रिएक्शन लेगी और सीमेंट अपने आप सॉलिडिफाई हो जाएगा हमें लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी थर्ड जनरेशन में विजिबल लाइट लगती है जो कि होगा फ़ोर थर्टी टू फोर नाइन्टी नाइनोमीटर का वेवलेंथ सॉरी फोर थर्टी टू फोर नाइन्टी नाइनोमीटर लगेगी विजिबल लाइट की थर्ड जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में फ्लोराइड रिलीजिंग है और uh, इसमें क्योरिंग लाइट नहीं लगेगी और क्योंकि ये फ्लोराइड रिलीजिंग है तो फर्दर केरीज होने के चांसेस बहुत कम है अब फिल्ड और अनफिल्ड वेदर सिलेंट्स में आ, फिलर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है अगर फिलर्स प्रेजेंट है तो बेटर स्ट्रेंथ है फिशर सीलेंट की और अगर अनफिल्ड है तो उसमें बेटर फ्लो रहेगा ठीक है देन आ, वेदर इट आ, है कि क्लियर है टेंटेड है या कलर्ड कलर्ड में बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है फिशर सिलेंट्स और टेंटेड में वो थोड़े ब्राउन ऐसे ब्राउन से लेके लाइट ब्राउन ऐसे ट्रेंटेड रहते हैं और क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो जब हम फॉलोअप लेते हैं पेशेंट्स का पिटन फिशर सीलेंट अप्लाई करने के बाद तो क्लियर्स को क्लियर वाले जो पिटन फिशर सीलेंट रहते हैं इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है वेर एज ट्रिटेड और कलर्स कलर्ड जो तो रहते हैं पिटन फिशर सीलेंट इनको हम ईज़िली आइडेंटिफाई करते हैं कर पाते हैं कि वेदर इनमें वेयर वगैरह हुआ है या रिपेयर की कोई ज़रूरत है क्या फिर आते हैं रेजन सिस्टम में इसमें देखा जाता है कि कौन सा रेजन सिस्टम यूज़ होता है जो बेस है उस सीलेंट का उसमें तो पहला है टेक डी एम ए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताती हूँ फिर है एम एम ए बी पी डी एंड बिस जी एम ए एंड पी एम ई देखो वो टेक डी एम का जो फुल फॉर्म है वो है ट्राईथाइल ग्लाइकोल डाई मिथिल एक्रिलेट ओके एम एम का है मिथाइल मिथ एक्रिलेट ओके देन बी पी डी का है बिस फिनॉल डाई मिथिल एक्रिलेट बिस जी एम ए का है विसफिन ए ग्लाइसिडिलथ एक्रिलेट एंड पी एम यू का है प्रोपिल मिथ एक्रिलेट यूरिथिन देखो आ, हम थोड़ा आ, ये जो जनरेशन है और यहाँ जो रेजन सिस्टम्स है इनको हम मेमोराइज uh, करने के लिए एक निमोनिक बना सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे सबके इनिशियल्स ले लो टी एम बी बी पी हम इसका निमोनिक बना सकते हैं बी स्क्वायर पी एम टी और जैसे यहाँ पे जनरेशन्स हैं तो यहाँ के हम इनिशियल्स लेंगे जैसे कि यू वी एस वी एफ यूनिवर्सली सेल्फी इज़ वेरी फेमस इट्स दैट इजी थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है Uh, जो कि ये भी मॉर्फोलॉजी फ़िशर पे ही है जो कि गैलिल एंड गिवनेट ने दिया था इन 1975। उसमें उन्होंने तीन शेप्स के uh, तीन टाइप के मॉर्फोलॉजी बताए थे फिशर के दैट इज़ वी यू एंड टीयर